अब ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स, इसमें एक्सरसाइज 1.5 आती है। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। तो 2 -√5 क्या है? ये इरेशनल नंबर है। 3 + √23 - √23, √23 से √23 कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास? 3, विच इज ए रैशनल नंबर। 2 √7 / 7 √7, √7 से √7 कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास? 2/7, विच इज ए रैशनल नंबर। अब ये क्या है? 1/√2, 1/√2 क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। इसके बाद क्या आता है? 2π, पाई क्या होता है? इरेशनल। तो 2 से उसको इरेशनल को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या बनेगा? वो इरेशनल बनेगा। इसके बाद है सेकेंड क्वेश्चन, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। फर्स्ट पार्ट है 3 + √3 × 2 + √2। हम इन दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से, 2 + √2 से। ऐसे ही +√3 को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 + √2 से। मल्टीप्लाई करो, 3 2 द 6, 3 1 द 3 √2। फिर इसको करेंगे इसके साथ 2√3 + √3 को √2 से करेंगे, √6। तो दिस, ये हमारा सॉल्यूशन आ जाता है। इसके बाद है थ्री प्लस सेकेंड पार्ट है 3 + √3 × 3 - √3। इसके अंदर क्या अप्लाई होगा? एक आइडेंटिटी अप्लाई होगी, a+b × a - b, विच इज a² - b²। तो 3 का स्क्वेयर क्या होता है? 9। और इसका स्क्वेयर से स्क्वेयर, ये जो रूट की वैल्यू होती है 1/2, 2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा? 3। तो 9 - 3 क्या होता है? 6। इसके बाद √5 + √2² तो इसमें a+b² अप्लाई कर दो, a² + b² + 2ab। तो 5 का स्क्वेयर, √5 का स्क्वेयर + √2 का स्क्वेयर + 2 × √5 × √2। तो ये रूट की वैल्यू क्या होती है? 1/2, वो 2 से क्या हो जाएगी? कैंसिल, 5 आ जाएगा। ऐसे ही इसकी भी वैल्यू क्या होती है? रूट की 1/2, वो 2 से कैंसिल हो जाएगी तो 2 आ जाएगा। प्लस 2 × √5 को √2 से मल्टीप्लाई कर दो, √10। 5 + 2 क्या होता है? 7। 7 + 2 √10। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। ऐसे ही फोर्थ पार्ट है इसका, 5 √5 - √2 × √5 + √2। इसमें फिर वही आइडेंटिटी यूज होगी, a - b × a+b, a² - b² तो √5 का स्क्वेयर - √2 का स्क्वेयर। रूट की वैल्यू 1/2 होती है, वो इससे कैंसिल हो जाएगी 2 से 1/2, तो क्या बचेगा? 5। ऐसे ही इसकी भी वैल्यू 1/2 होती है रूट की, तो 2 से कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा? 2। तो 5 - 2 क्या होता है? 6। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, अब ये कहा है इसने, रिकॉल पाई एज द रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस से सी। हमने सरकमफ्रेंस को सी से रिप्रेजेंट किया, ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी, यानी डायमीटर को डी से रिप्रेजेंट। दैट इज पाई इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर सी अपॉन डी। दिस सेम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। हाउ यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन? तो देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन। रिमेंबर दैट व्हेन यू मेजर ए लेंथ विद ए स्केल और एनी अदर डिवाइस, यू गेट ओनली एन अप्रोक्सीमेट रैशनल वैल्यू। सो यू मे नॉट रियलाइज दैट आइदर सी और डी इज इरेशनल। इसके बाद आता है हमारे पास, रिप्रेजेंट दैट √9.3 ऑन नंबर लाइन। 9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए क्या करेंगे हम, इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, सबसे पहले एक लाइन ड्रा करेंगे हम, ये लाइन ड्रा कर ली हमने। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे? 9.3 रिप्रेजेंट करेंगे। कहाँ पर है ये? 9.3 है, ये रिप्रेजेंट हो गया 9.3। और फिर इसके अंदर 1 यूनिट और ऐड कर लेंगे, यानी 10.3, 1 यूनिट और ऐड करेंगे। ये 9.3 यूनिट हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये ए डी और ये सी। तो ए बी इज 9.3 यूनिट्स, और ये कितना है? 1 यूनिट। अब ये टोटल कितना हो गया? 10.3 यूनिट्स हो गया। अब हम क्या करेंगे? ए सी को बाइसेक्ट करेंगे। ए सी को बाइसेक्ट करने के लिए क्या करेंगे हम? सी पे कंपास रखेंगे, हाफ से ज़्यादा खोलेंगे, और इधर ऐसे आर्क, नीचे की ओर आर्क,
ऐसे ही ए पे रखेंगे, बाहर से प्रोटेक्टर ले गया, ये कट लगा दिया, इधर से ये कट लगा दिया, तो ये एसी को का बाइसेक्टर आ जाएगा हमारे पास। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये मिड पॉइंट क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ एसी आ जाएगा। तो ये पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, डी। अब हम क्या करेंगे, डी पे कंपास रख के डी ए को रेडियस लेकर के और एक सेमी सर्कल ड्रा करेंगे विच आल्सो पास थ्रू सी, जो सी में से भी पास करता है। अब हमारे पास पॉइंट क्या है, बी, बी रह गया बीच में। अब बी के ऊपर हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर और विद द हेल्प ऑफ कंपास 90 का एंगल ड्रा कर देंगे। तो 90 का एंगल जब हम ड्रा करेंगे तो वो 90 का एंगल इस सेमी सर्कल को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, ये पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, ई। अब हम क्या करेंगे, इस बी ई को मेजर करेंगे, ये बी जो होगा रूट 9.3 के इक्वल होगा। अब बी को ई, बी ई को मेजर करेंगे, मेजर कर लिया, और इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे आर्क ड्रा करेंगे जो इस नंबर लाइन को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, ये पॉइंट क्या आ जाएगा हमारे पास, एफ। तो दिस बी एफ रिप्रेजेंट रूट 9.3, दिस रिप्रेजेंट रूट 9.3। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आता है हमारे पास, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। रेशनलाइज के लिए देखिए, रेशनलाइज करते हैं हम डिनोमिनेटर को हमेशा। अब ये सिंगल टर्म का डिनोमिनेटर है 1/√7, सिंगल टर्म में जब भी हम रेशनलाइज करते हैं तो उसी नंबर से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड करते हैं रेशनलाइज में। तो ये रूट सेवन है डिनोमिनेटर में, तो रूट सेवन से मल्टीप्लाई, रूट सेवन से ही डिवाइड। तो रूट सेवन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे रूट सेवन, रूट सेवन को रूट सेवन से करेंगे रूट सेवन का स्क्वेयर हो जाएगा। रूट को क्या लिखते हैं, पावर 1/2, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा हमारे पास, सेवन। तो ये डिनोमिनेटर का रेशनलाइज का मतलब है भी यहाँ से स्क्वेयर रूट जो है वो कैंसिल करना है, तो ये कैंसिल करके हमारे पास रूट 7/7 आ गया। अब इसी तरह से सेकंड पार्ट है इसका। अब इसमें टू टर्म्स की रेशनलाइज है, 1/√7 - √6 है। तो जब भी हमें टू टर्म्स की रेशनलाइज करनी है तो इसका साइन जो है हम अपने माइंड में चेंज कर लेंगे, √7 + √6। तो इसको हम क्या करेंगे, √7 + √6 से ही मल्टीप्लाई और उसी से क्या कर देंगे, डिवाइड। अब इसको न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो ये वन को मल्टीप्लाई करेंगे इनके साथ तो √7 + √6 आएगा। अब इसमें एक आइडेंटिटी यूज होगी, a - b × a + b विच इज a² - b² तो रूट की वैल्यू वही 1/2 होती है, 2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा 7। ऐसे ही यहाँ पे भी 6 की वैल्यू वन रूट की 6 रूट की वैल्यू 1/2 होती है, तो 2 से रूट 1/2 कैंसिल, तो 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास √7 + √6 / 7 - 6 बचेगा, तो 7 - 6 क्या होता है, 1, तो हमारे पास आ जाएगा √7 + √6। इसके बाद थर्ड पार्ट है 1/√5 + √2, इसी तरह का है ये सेकंड पार्ट की तरह। अब इस ये प्लस दे दिया, अब यहाँ पे अब अपने माइंड में चेंज करो इस साइन को, √5 - √2, तो हम इसको 1/√5 + √2 को √5 - √2 से मल्टीप्लाई, √5 - √2 से ही डिवाइड। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, √5 - √2 को 1 से करेंगे तो यही आएगा हमारे पास। नीचे a + b × a - b वही आइडेंटिटी, a² - b² तो √5 का मतलब क्या है, 1/2, 5 की पावर 5 to the power 1/2, 1/2 से 2 कैंसिल, 5 आ गया। ऐसे ही 2 की पावर 1/2, 2 से रूट हाफ कैंसिल हो जाएगा 1/2, तो 2 आ जाएगा हमारे पास। तो 5 माइनस क्या आता है, 3, तो √5 - √2 / 3 क्या आ जाएगा, 3। ऐसे ही इसका फोर्थ पार्ट है, ऐसे ही फोर्थ पार्ट है, ये सॉल्व करके देखेंगे।